हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम साजिद है, मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ। तो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ पुश प्रेस। जी हाँ, पुश प्रेस। तो पुश प्रेस कैसे किया जाता है वो मैं आपको एक एक करके टेक्निक सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी पुश प्रेस सीखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें, मेरे ये वीडियो को लाइक करें और सबके साथ में शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार। चलो तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या लेना होगा, एक डंडा ले लेना है। मैं इसको डंडा ही बोलूंगा, ऐसे इसको बोलते हैं पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप ये जिम में ज्यादातर यूज होती है। तो पीवीसी पाइप के साथ में क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको थोड़े वेट के साथ में पुश प्रेस करके दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा हैवी वेट हम आराम से पिक कर सकते हैं पुश प्रेस में। तो दोस्तों, पुश प्रेस कैसे किया जाता है। फर्स्ट आपका जो स्टेंस होगा, पैर, जो पैर का डिस्टेंस होगा, शोल्डर जितना डिस्टेंस रखना है उतना डिस्टेंस रखना है कि आपको एकदम कंफर्ट लगना चाहिए, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, पीवीसी पाइप जो डंडा है आपके हाथ में, इसको ऐसे पकड़ना है एकदम वेस्ट, इसके पास में से अपनी दोनों लेग के बाहर में से ऐसे पकड़ेंगे आप। अभी सेकंड क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे ये वेट। जब हैवी होगा तो आपको एल्बो एकदम ऐसे करनी होगी और वेट पूरा अपने कंधे पे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपका वेट पुश प्रेस में कहां होना चाहिए, पुश जग में कहां होना चाहिए या फिर क्लीन में भी कहां आना चाहिए। तो आपको वेट पूरा का पूरा यहां पे आना चाहिए। और अगर आपने मेरी क्लीन की वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लीजिए गाइस। चलो तो शुरू करते हैं। अभी यहां पे क्या करना है, वेट को यहां पे रखना है और यहां से सिंगल डिप मारना है इसमें, सिंगल डिप, एक डिप। यहां से नीचे जाना है एंड अप, नीचे जाना है एंड अप, नीचे जाना है एंड अप। ये जर्क हो गया, सॉरी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है जर्क में और पुश प्रेस में। अभी यहां से नीचे जाना है एंड अप, एंड अप, ठीक है। ये मैं साइड से दिखाता हूं आपको, देखिए यहां से नीचे जाना है एंड अप, थोड़ा सा डिप करना है। नीचे हम क्यों जाते हैं, अभी यहां पर एक क्वेश्चन है। नीचे हम इसलिए जाते हैं ताकि हम वेट को प्रेशर से फेंकें ऊपर। अभी देखो डायरेक्ट में अगर यहां से फेंकूंगा, पूरी मेरी ताकत कहां से लग रही है, आर्म्स की ताकत लग रही है। लेकिन मैं अब जब यहां से नीचे जाके प्रेशर के साथ फेंकूंगा, मैं यहां से पुश करूंगा वेट को। देखिए यहां पे है, मैं पूरा अपनी बॉडी से फेंक रहा हूं, ये कॉलर मार के फेंक रहा हूं, देखिए आपने। चलो तो मैं आपको थोड़ा वेट के साथ में दिखाता हूं, चलिए देख लीजिए गाइस। ये आ गया हमारा वेट, तो मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे लिफ्ट करना है। देखिए पुश प्रेस, ये हुआ पुश प्रेस, ये सिंगल डिप पुश प्रेस, नीचे गए एंड फेंका, नीचे गए एंड फेंका, नीचे गए एंड फेंका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुश प्रेस। तो ये होता है पुश प्रेस गाइस। ये मेरी वीडियो देखिए अच्छे से, बार बार देखिए, आपको समझ नहीं आ रहा उसको पॉज करके देखिए और समझिए कि पुश प्रेस में क्या करना है। बहुत इजी टेक्निक है, सिर्फ यहां से नीचे जाना है, प्रेशर से फेंकना है, प्रेशर से फेंकना है। तो दोस्तों, पुश जर्क पुश प्रेस में क्या फर्क होता है वो वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, वो भी देखिए। आपको पुश जर्क बेटर लगता है या पुश प्रेस, वो भी मुझे बताइए। मेरे पास आंसर है कि पुश प्रेस बेटर है या पुश जर्क। आपको अगर कुछ कंफ्यूज है तो मुझे पूछ सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना लूंगा। तो गाइस वीडियो इधर ही खत्म कर दें, सी यू ऑल, बाय बाय।